अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम करने वाले हैं CS10 का लेक्चर जो हमारे पास सेकंड है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लेकिन आपका ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है तो लेट्स हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सेकंड वाले लेक्चर में हमारे पास रिसोर्सेज शेयरिंग के बारे में बात की गई है। अब रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल कि हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो कंप्यूटर पे काम करता है, दूसरा प्रिंटर पे करता है। अब ये ऑफिस के पास इतने बजट तो नहीं होता है कि वो दोनों को एक कंप्यूटर भी दे दे, एक प्रिंटर भी दे दे। तो इस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग ये होती है कि हम वो दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं अपनी थिंग्स। तो रिसोर्स शेयरिंग मीन्स टू शेयर द रिसोर्स अवेलेबल अमंग मैनी यूज़र्स इन एन ऑफिस, एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गिव अ सेपरेट प्रिंटर टू ईच अदर। सो इफ़ द प्रिंटर इज़ शेयर्ड अमंग द वर्कर, देन अ सिंगल प्रिंटर विल बी एसेसिबल टू ईच वर्कर। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास बताया गया है कि अगर हम अपने रिसोर्स को तमाम यूज़र के साथ शेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने ऑफिस में शेयर किया है, एक प्रिंटर को शेयर किया, तो वो तमाम जितने वर्कर काम कर रहे हैं उन तक असेसेबल हो जाएगा। जिसको भी वो चाहिए होगा वो उसको यूज़ कर सकेगा। तो इस तरीके से आसान हो जाएगा काम और हमारे रिसोर्स और बजट जो है वो भी कम लगेगा। बस शेयरिंग के ज़रिए हर पर्सन को हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड है हमारे पास गोल ऑफ रिसोर्स। The goal of resource sharing is to make all programs, equipment and data available to anyone in the network without regard to physical location of the resource and the user. For example, for sharing a printer among the also share of information is a goal of resource sharing. तो यहाँ पर हमारे पास जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जब एक बंदा जो है वो अपने तमाम जो रिसोर्स हैं वो सबके साथ शेयर कर लेगा, तो जितने प्रोग्रामर्स हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर, वो तमाम के पास शेयर होंगे। गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग दोनों एक ही चीज़ का नाम है। तो वहाँ पर जितने बगैर एक बंदे को बगैर किसी दूसरी लोकेशन पर आए, वो दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर तीसरी है कि हमारे पास तीसरी जो है मेन रीज़न फॉर अर्ली रिसोर्स शेयरिंग। अब अर्ली रिसोर्स शेयरिंग के बारे में क्या है? तो रिसोर्स शेयरिंग जो शेयरिंग होती है उसका यही मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ डिवाइसेस को शेयर करना है, बल्कि इस तरीके से ये होगा कि एक बंदा है, जैसे एक प्रोग्रामर है, दो पीसी बने हुए हैं, एक पीसी प्रोग्रामर के लिए बेस्ट है जबकि दूसरा पीसी प्रोग्रामर के लिए इतना बेस्ट नहीं है। जब वो दोनों पीसी एक बंदे के पास आएंगे, उसका डाटा दोनों पीसी का डाटा एक बंदे के पास आएगा, तो प्रोग्रामर को पता चल जाएगा कि मुझे कौन से वाला यूज़ करना है। इस तरीके से एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरा जो है वो सफिशिएंट काम कर पाएंगे। और जिस तरीके से अब गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स को एक बड़े कंप्यूटर्स लेके दें, हर चीज़ अवेलेबल करके दें, तो वो यही तरीका यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, बाकी यहाँ पर रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आपका पेपर कभी नहीं आता। जो कंसेप्ट होते हैं हमेशा पेपर वहीं से आपका आता है। इसके बाद हमारे पास आरफा। अब इसका आपने ये मुखफ़ जो है आपको ये याद रखना है कि RPH का क्या मतलब है, एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये हम इसको कहते हैं। The efforts of ARPA was to enable all its research groups has access to latest computers. अब इस जो ब्रांच है, ये एजेंसी, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि एडवांस जितने कंप्यूटर एडवांस हैं ना, उनको लेके आना, उनको ऑर्गेनाइजेशन में ला के करना। और इस तरीके में ARPA, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपना बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो जब स्टार्टिंग में जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो उस जब इंटरनेट नहीं था, तो ये काम बहुत स्लो था, ये चीज़ें बहुत से कम लोगों को पता थी इस टाइप चीज़ों का। तो जो सबसे पहला उस वक्त इंटरनेट आज़ाद किया गया था, उसको कहते हैं ARPANET। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, आपने इसको याद रखना है। और ये इंटरनेट जो था, ये 1970 में आया था। आपने याद रखना है कि ARPANET इंटरनेट से पहले आया था। इसके बाद ये उन्होंने एक डायग्राम दी गई है, ग्राफ दिया गया है कि 1981 में कितने लोग इसको यूज़ करते थे इंटरनेट को। ये देखें, 1981 से लेके 1950, ये क्या लिखा हुआ है, आई थिंक ये बहुत मिसलीडिंग की हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं 1991 तक कितने लोग इसे यूज़ करते हैं, सिर्फ 0 मिलियन से नीचे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सिस्टम आया, जब इंटरनेट आ गया, उधर से देखिए, जब 1971 आया,
तो ये यार लोगों की तादाद बढ़ना स्टार्ट होगी, 25 मिलियन लोग हो गए, जबकि 2003 का उन्होंने कहा है कि 2003 में इसके 175 मिलियन लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए, अब तो भैया बात ही होगा, अब तो बिलियंस में लोग चले गए हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो है, चलिए हम देखते हैं। नो एन एनिमेटेड टूल इज़ रिक्वायर्ड टू टेस्ट टू सी वेदर द कंप्यूटर इज़ ऑनलाइन आर नॉट। जिस तरीके से हमारी जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे टेंडा हम वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं, तो हमारा जब इंटरनेट स्लो हो जाता है तो हम उसको सर्च करके देखते हैं कि हमारी कितनी डिवाइसेस इसके साथ अटैच है हमारे, जो हमारा नेट स्लो हुआ पड़ा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर अगर उन्होंने देखने हैं कितने ऑनलाइन हैं, तो उसके लिए वो पिंग का प्रोग्राम यूज़ करते हैं। इसके बाद फॉर एग्जांपल वो किस तरीके से आप पिंग को पता चलता है कि ये कंप्यूटर ऑनलाइन है या नहीं है, उन्होंने एक डाटा सेंड किया 5 पैकेट्स का दूसरे कंप्यूटर को, अगर दूसरी तरफ वही डाटा 5 के 5 पैकेट्स अवेलेबल हो गए हैं तो उन्हें पता है कि कंप्यूटर ऑनलाइन है। और search.com ये जो मैंने गिन गया है, ये IP एड्रेस होता है किसी भी प्रोग्राम का। अब प्रॉब्लम विद पिंग, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। रिमोट कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम, लोकल कंप्यूटर प्रॉब्लम कर सकता है, पिंग के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो सबसे तेज़ी और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फिर भी यही पिंग प्रोग्राम है, जो कि ये देखता है कि ये कंप्यूटर जो है ऑनलाइन है या नहीं है। लेकिन इसके बाद एक नया प्रोग्राम भी आया है, देयर इज़ एन अदर प्रॉबिंग टूल ट्रेस रूट टू गेट मोर डिटेल इट इज़ यूज। अब ट्रेस रूट एक प्रोग्राम आया है जो कि ये यूज़ करता है और वो रूटर को ट्रेस करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ पिंग एज सून एज ए लर्न अबाउट द फेलियर। जितनी भी नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी CEO हैं नेटवर्क जो चला रहे हैं, वो इसकी फेलियर को जानने के बावजूद पिंग का प्रोग्राम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दस वी सी डेट ट्रेसिंग आर रूट इज़ मोर इंटरेस्टिंग टूल दैन पिंग। अब एक रूटर को ट्रेस करना जो है वो मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया है पिंग को ट्रेस करने से। अब इसके बारे में और भी प्रोग्राम आएंगे जो इन सब चीज़ों को आसान कर देंगे। इसके बाद आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 3, तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।